वेलकम टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। इस वीडियो में नेवी एमआर के साइंस के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये एक प्रैक्टिस सेट टाइप का है, 20 क्वेश्चंस इसमें हैं और ये क्वेश्चंस हिंदी में भी हैं, मैं आप लोगों को इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, नेवी एमआर के साइंस के पार्ट में क्या रहता है कि अगर आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से सुनते हैं और अटेम्प्ट भी करते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर, आपको देखते हैं, आप खुद भी आंसर देना रहता है, उसके बाद आप लोग देखें कि अगर नहीं आता है तो आप जो आंसर मैंने करेक्ट बताया, जो उसका मैंने आपको थ्योरी बताई है, उसको आप लोग समझें, याद करें, ठीक है। सिर्फ सुनने मात्र से आप लोग एग्ज़ाम में मान लीजिए 13 से 14 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो उससे आप लोग 10 से 12 क्वेश्चन ईजिली बना सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर जो जनरल साइंस है वो नहीं आती। मैंने आपको बहुत साइंस पढ़ा दी है, अगर आप लोग गौर से ध्यान से पढ़ रहे हैं, वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो काफ़ी कुछ आप लोग सीख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है, जो जो कह सकते हैं कि जो म्यूजिकल एनर्जी होती है, जो साउंड एनर्जी होती है, उसको एक इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने के लिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होता है माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन की मदद से हम लोग ध्वनि ऊर्जा जो हम लोग बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ सर माइक पे, आप लोगों को सुनाई दे रहा है, ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होकर आगे सिग्नल्स के रूप में ट्रांसफ़र होता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। अगर यहाँ पर प्रोसेसर दिया रहता तो उस पर भी हम लोग 1% को जा सकते थे। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या रहता है कि नाव जो है अगर मान लीजिए पानी के ऊपर चल रही है तो वो डूबेगी नहीं अगर वो अपने भार के बराबर पानी को हटाती है, ठीक है। लेकिन अगर अपने आयतन यानी कि वॉल्यूम के बराबर अगर पानी को हटाएगी तो वो डूब जाएगी, आयतन के बराबर करेक्ट आंसर है इसका। ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है, तो आप सभी लोगों को पता है कि जो सॉलिड होता है उसमें सबसे तेज होती है, तो यहाँ पर सॉलिड ऑप्शन में कौन सा है, सॉलिड यानी कि ठोस जो चीज़ होती है, जल वायु कांच ग्लिसरिन में, तो हम लोगों को लिक्विड और गैस दे रखा है, कांच जो है वो सॉलिड है और सबसे तेज इसी में होती है, तो कांच इसका करेक्ट आंसर है। शीतकालीन में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो अगर आपको लगता है कि वो हमें ऊष्मा प्रदान करते हैं तो आप इस जगह गलत है। दरअसल होता क्या है, जो शरीर की ऊष्मा होती है, जो हमारे बॉडी की हीट होती है, उसको बाहर जाने से रोकते हैं गर्म कपड़े, तो इसका आंसर जो है वो शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, इसलिए कपड़े हमको गर्म रखते हैं सर्दियों के मौसम में। अगला सवाल है, रेफ्रिजरेटर में शीतलन जो होता है वो किस प्रकार होता है, जो शीतलन कहने का मतलब है कि जो ठंडक होती है वो किस कारण होती है, जो फ्रीजर में बर्फ़ जमी होती है उसके कारण, संपीड़ित गैस के कारण, वाष्पशील द्रव के वाष्पण द्वारा, क्या इनमें से कोई नहीं। तो जो संपीड़ित गैस जो होती है उसके माध्यम से, इसमें जो कह सकते हैं जो ठंडक जो होती है इसी के माध्यम से होती है, ये आंसर करेक्ट है। अगला सवाल है, दाब किसकी इकाई है, थोड़ा प्रिंट आपको लग रहा होगा तो ट्राई टू मैनेज, तो दाब जो है वो किसकी इकाई है, तो ऑप्शंस हैं शक्ति की, कार्य की, ऊर्जा की। अच्छा, यहाँ पर देखिए दाब यहाँ पर कार्य लिखा हुआ है, यहाँ पर और यहाँ पर भी कार्य है, तो यहाँ पर प्रेशर आना चाहिए, ठीक है, तो प्रेशर किसकी इकाई है, दाब जो है वो प्रेशर की इकाई है। अगला सवाल है, सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधक क्षमता, जो सेमीकंडक्टर होते हैं और जो कि देखिए मेटल होता है, इंसुलेटर होता है, उसके बीच में आते हैं सेमीकंडक्टर, अगर उसमें हम लोग जो उसकी प्रतिरोधक क्षमता होती है यानी कि जो रेजिस्टेंस पावर होती है वो ताप यानी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ती है या घटती है या फिर समान रहती है या फिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित करती है, तो हम लोगों यहाँ पर 4 खूट दे रखे हैं, हमको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए सेमीकंडक्टर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो रेजिस्टेंस जो होती है, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, रुकावट, अगर जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जो रुकावट जो पैदा होती है उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो प्रतिरोधक क्षमता ताप बढ़ाने के साथ घटती है सेमीकंडक्टर के केस में, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, मेटल और इंसुलेटर के बीच में आता है, ठीक है। मेटल तो आप सभी को पता है, जो लोहा हो गया, स्टील हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई, और इंसुलेटर आपको पता है जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गई, उसके बीच में आता है सेमीकंडक्टर, जो कि आपको अगर आपने 12th में पढ़ा भी होगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, और गैलियम आर्सेनाइड, तो ये सब आते हैं सेमीकंडक्टर केस में, अलग अलग टाइप्स आते हैं फिर इसमें, जो कि आपको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आपको इतना जानना जरूरी है कि प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, रेजिस्टेंस पावर, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ घटती है सेमीकंडक्टर केस में, ओके। अगला सवाल है, सूर्य सहित सभी तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है, देखिए आपको पता है सूर्य में कितनी ज़्यादा ऊर्जा है और जो बाकी तारे होते हैं इनमें भी कितनी ज़्यादा एनर्जी होती है, तो इसमें होता क्या है, जो हीलियम का नाभिक होता है उसमें हाइड्रोजन केंद्रित, मतलब हाइड्रोजन जाके जो है संलयन करता है, मतलब फ्यूज़ करता है उसके अंदर जाकर, तो ये जो प्रोसेस होता है इसी कारण से उसमें जो है ऊर्जा रहती है, तो इसका सिर्फ केवल कूट नंबर 2 सही है ये वाला। निम्नलिखित वैज्ञानिकों को उनके जन्म के आधार पर सही क्रम में विन्यस्त करें, ये आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है,
मोनोजाइट किसका अयस्क है? अयस्क मतलब होता है ओर, ठीक है, जिससे कि मान लीजिए जैसे हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, जिस ओर से हम लोग कुछ प्राप्त करते हैं, ठीक है, जैसे कि बॉक्साइट हो गया, बॉक्साइट को अगर हम लोग पिघलाते हैं और फर्नेस में डालते हैं तो उसको हमको एल्यूमिनियम मिलता है, ठीक है, जैसे हेमेटाइट को हम पिघलाते हैं तो उससे हमें लोहा मिलता है, उसी प्रकार ये सवाल है मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो ये इससे हमें थोरियम मिलता है, थोरियम इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आपको वैसे जनरल में जो याद रखने की ज़रूरत है वो बॉक्साइट, ठीक है, और हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, कॉर्नलाइट भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, ये चार पांच आपको याद करना जरूरी है, एग्जाम में यही अधिकतर आते हैं। तो बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का है, मैंने आपको बता दिया पहले ही। कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का है, ठीक है। गन मेटल किसका अयस्क है? तो अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा था, गन मेटल से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो गन मेटल क्या होता है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं मिलाकर बनाया जाता है तांबा, टिन और जिंक को, ठीक है, तो डी करेक्ट आंसर है इसका। लहसुन की अभी लाक्षणिक गंध का कारण क्या है? जो आपको पता होता है जो इसमें गंध आती है वो किसके कारण होती है? तो चार ऑप्शंस हैं, क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, फ्लोरिन यौगिक या एसिटिकल। तो जो सल्फर की एक तरीके से कह सकते हैं स्मेल आपको देखने को मिलती है लहसुन में, तो सल्फर यौगिक के कारण जो उसकी अभी लाक्षणिक गंध होती है तो उसका कारण ये होता है। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ वो कौन सा है? वो शराब में कौन सा ऐसा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण से ऐसी त्रासदियाँ देखने को मिलती है? तो ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जो मेथिल अल्कोहल रहती है वो बहुत हानिकारक होती है, मतलब जिसका इस तरीके से त्रासदी डिजास्टर, कंप्लीट डिजास्टर, तो मेथिल अल्कोहल जो है वो तो बहुत हानिकारक है, अल्टीमेटली जो शराब है वही हानिकारक है, ठीक है। फोटोग्राफी में स्थायिकर जो के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो इसको आपको ट्राई करना है, सोडियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, अमोनियम परसल्फेट या बोरोक्स, जिसको हम सुहागा भी कहते हैं। तो सोडियम थायोसल्फेट है जिसको हम लोग एक तरीके से फिक्सर कह सकते हैं या फिर स्थायिकर भी हम लोग कह सकते हैं, जो कि फोटो को स्थिर करके रखता है जब फोटोग्राफी होती है तब, ठीक है, उसमें जो यूज़ होता है, पहले भी यूज़ होता था कि जब फिल्म वाली फोटो आती थी, ठीक है, इसमें फिल्म नेगेटिव जिसे कहते हैं, तो उस केस में भी हम लोग इस्तेमाल करते थे सोडियम थायोसल्फेट, भी आंसर करेक्ट है। पानी आयनिक लवण का सुव्यालक है, ऐसा क्यों है? जो वाटर है वो आयनिक सॉल्ट का एक अच्छा विलायक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उसका डाइपोलर टॉर्क होता है वो अधिक होता है, ठीक है, आपको इसमें ज़्यादा अगर मैं डीप में समझाऊंगा तो पोलराइजेशन वाला अगर आप लोगों ने 12th क्लास में या 11th में आई थिंक टॉपिक है तो उसी पर है ये, जो डाइपोलर टॉर्क होता है वो पानी का ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें जो है आयनिक सॉल्ट अच्छी तरीके से मिल सकता है, एक अच्छी तरीके से आयनिक सॉल्ट के मिक्सचर की तरह बिहेव करता है पानी, ठीक है, कहने का मतलब ये पानी में सब चीज़ें आसानी से घुल जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डाइपोलर टॉर्क जो है वो ज़्यादा होता है। अगला सवाल है, सिरका किसका जलीय वेलन है? तो सिरका आप लोगों को पता है अचार वगैरह हम लोग यूज़ भी करते हैं, तो एसिटिक अम्ल का ये एक जल में मिलाने के बाद बनता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जल में आसानी से घुलनशील क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया, आयोडीन, तो अमोनिया इसमें सबसे आसानी से घुलनशील है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये थे टोटल 20 सवाल, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर आप लोगों ने यहाँ वीडियो लास्ट तक देखी है तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना आपके अंदर डेडिकेशन है, क्योंकि वीडियो को ध्यान से समझना, सुनना, देखना ये अपने आप में एक अच्छी बात होती है, ठीक है, और मैं ऐसा नहीं कहता कि आप लोग टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं किसी वीडियोज़ को देखकर यूट्यूब पर, हाँ आप लोग एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, मोटिवेशन ले रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन अब ये हाई टाइम है लास्ट के, आपके पास करीब करीब देखा जाए तो मोटे मोटे 40 से 45 दिन बचे, तो प्लीज़ इन दिन को यूटिलाइज़ करें, इतने दिन में भी आसानी से, मैं मुश्किल से नहीं कह रहा हूँ, आसानी से आप लोग एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। तो अब आपको डेली देखिए 20-30 क्वेश्चन आप लोग डेली कर रहे हैं, अब 40 दिन में अगर 20 क्वेश्चन रोज़ कर रहे हैं तो समझ सकते हैं आप लोग 800 क्वेश्चन अपने तैयार कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग ईमानदारी से पढ़ें और ख़ुद भी मेहनत करें, एक किसी भी एक यूट्यूब चैनल को पकड़ लें, ठीक है, आपकी इच्छा है वो, मैं ये नहीं कहूँगा कि 10 यूट्यूब चैनल को आप लोग फॉलो करें, एक को पकड़ लें क्योंकि वो अपने तरीके से पढ़ाता है, जो भी यूट्यूबर है, जो भी टीचर एडुकेटर है वो अपने तरीके से पढ़ाता है, तो आप लोगों को शायद मिसमैच हो सकता है कि चार जगह कैसे पढ़ रहे हैं। एक बात और बता दूँ मैं आप लोगों को, ये मुझे वीडियो की स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी, लेकिन अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो मैं मानता हूँ कि आप लोग एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं। बात वो ये है कि आपको जो है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर पढ़ने या फिर ऑनलाइन जितना स्टडी मटेरियल है उसके पढ़ने के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। जो जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, जो पारंपरिक तरीके हैं जिसमें कि हम लोग अपने किताबों से पढ़ते हैं बैठकर स्टडी टेबल पे कॉपी पेन उठा के, वो तरीके आज भी 101% काम करते हैं, उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, नो बडी कैन,
ठीक है, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ते हैं और जो कॉपी पेन से घर में पढ़ते हैं, फिजिकली तरीके से जो पढ़ते हैं ना, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, आज नहीं और आज के आने के 100 साल बाद भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। जितना भी ऑनलाइन मटेरियल आ गया, ये एक तरीके से बैक सपोर्ट है, मतलब पीछे से आपको एक सपोर्ट है, ठीक है, जिसे हम लोग बैक कहते हैं ना कि हमें पीछे मेरी बैक है, तो वो बैक जो है वो यही आप लोगों को प्रोवाइड हो रही है। तो इसके भरोसे आपको ज़्यादा नहीं रहना कि मतलब यही मेरा एग्जाम क्रैक कराएगा। हाँ, मदद इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपका एग्जाम करने क्रैक करने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग कहें कि इसी के भरोसे अगर मेरा सब कुछ हो जाएगा, तो यह आप नामुमकिन है बिल्कुल भी, क्योंकि जब तक तो आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आप खुद पढ़ेंगे और कहीं से भी ना पढ़ें लेकिन खुद पढ़ रहे हैं, अगर आप मेहनत से किसी दूसरे टीचर और किसी को नहीं कर रहे, खुद मेहनत से पढ़ रहे हैं, तो आपको 101% होगा। आई होप आप मेरे कहने मतलब समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आप लोग खुद भी बैठ के पढ़ना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, अगर आप लोग मैथ्स की बुक बहुत लोग पूछ रहे थे कौन सी लेनी चाहिए, तो वो मैंने बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप लोग जाके बाय भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने बाय करा है, बहुत से लोगों के पास है भी, अच्छी बात है, आपको उससे प्रैक्टिस करनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।